शादीशुदा होते हुए भी 90s की इस एक्ट्रेस पर दिल हार बैठे थे गोविंदा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। गोविंदा और सुनीता ने 3 साल तक एक दूसरे को डेट किया। इसके बाद उन्होंने शादी कर ली। शादी के वक्त सुनीता की उम्र सिर्फ 18 साल थी। शादी के 1 साल बाद ही सुनीता माँ बन गई। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी शानदार कॉमेडी, टाइमिंग, डांस और एक्टिंग के लिए पहचाने जाने वाले गोविंदा अपने काम के लिए तो चर्चा बटोरते ही हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उन्होंने अपने रिश्तों के लिए भी खूब सुर्खियां बटोरी। जी हाँ, गोविंदा का 90 की दशक की एक एक्ट्रेस पर जबरदस्त क्रश था। ये वो एक्ट्रेस थी जिन्होंने छोटे से फिल्मी करियर में न केवल लाखों लोगों को अपनी खूबसूरती का दीवाना बनाया, बल्कि हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बनी। ये एक्ट्रेस थी दिव्या भारती। जी हाँ, शादी के कई सालों बाद गोविंदा की मुलाकात एक एक्ट्रेस से हुई जिस पर उन्हें खासा क्रश हो गया। साल 1992 में गोविंदा ने फिल्म शोला और सबनम में काम किया था। इस फिल्म में उनके साथ लीड रोल में दिव्या भारती थी। दिव्या भारती ने बेहद कम उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली और अपने दौर की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक थी। उस वक्त दिव्या की खूबसूरती के तब बहुत चर्चे हुआ करते थे। ऐसे में जब गोविंदा ने उनके साथ काम किया तो वो भी उनकी खूबसूरती पर फिदा हो गए। जब वे और दिव्या फिल्म शोला और शबनम की शूटिंग कर रहे थे तब उनके अफेयर की खबरें आने लगी थी। वहीं माने तो एक थ्रोबैक इंटरव्यू में गोविंदा ने खुद कबूल किया था कि शादीशुदा होने के बावजूद उनका दिव्या पर क्रश था। उन्होंने कहा था कि दिव्या बहुत अट्रैक्टिव हैं और किसी मर्द के लिए उसे रेसिस्ट करना बहुत मुश्किल है। बताते चलें कि इस दौरान गोविंदा ने अपनी और दिव्या की डेटिंग की अफवाहों के बीच अपनी दूसरी शादी को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा था कि कल कौन जानता है, मैं फिर से इन्वॉल्व हो सकता हूँ और फिर शायद मैं उस लड़की से शादी करूँगा जिसके साथ मैं जुड़ूंगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि गोविंदा ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि उनका दिव्या भारती पर क्रश था। उस वक्त वह शादीशुदा थे। उनकी पत्नी सुनीता से वह बहुत प्यार करते थे, लेकिन फिर भी दिव्या की खूबसूरती पर वह फिदा हो गए। जी हाँ, खुद गोविंदा ने एक इंटरव्यू में बताया कि उस समय सुनीता से शादी होने के बावजूद भी उन्हें दिव्या भारती से प्यार था। गोविंदा ने भाग्य पर भरोसा जताते हुए कहा था कि जो होना है वो होगा। गोविंदा दिव्या के स्टनिंग लुक पर फिदा थे। बताते चलें कि गोविंदा ने दिव्या भारती ही नहीं, जूही चावला के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर होने की बात भी स्वीकार की थी। उन्होंने कहा कि वह जानते थे कि उनकी वाइफ सुनीता नाराज हो सकती हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने दिव्या को अट्रैक्टिव बताया। खबरों की माने तो गोविंदा ही वो शख्स थे जिन्होंने दिव्या को साजिद नाडियावाल से मिलवाया था। साजिद और दिव्या ने बाद में शादी कर ली। हालांकि महज 19 साल की उम्र में दिव्या भारती की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई।